नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को और जानेंगे पोल्ट्री फार्म के बारे में पूरा डिटेल। तो पोल्ट्री फार्मिंग होता क्या है? तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब हो जाता है कि डोमेस्टिकली, घरेलू रूप से किसी भी पक्षी को उगाना, उसको प्रोडक्शन करना, एग के लिए, चिकन के लिए, मीट के लिए। तो इसमें कौन से पक्षी हम लोग रेज करेंगे? तो चिकन ही करते हैं। मेनली चिकन का ही पूरा प्रोडक्शन आ जाता है पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत। तो चिकन को इसमें रेज करेंगे फॉर मीट के लिए, ओके। और दूसरा, चिकन का प्रोड्यूस करेंगे फॉर एग्स के लिए। तो एग्स और चिकन दोनों का प्रोडक्शन करना पूरा, ये पूरे पोल्ट्री फार्मिंग इसकी करना, इसको हम लोग कहेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी हम लोग चिकन खाते हैं मार्केट में, जो व्हाइट कलर की चिकन होती है, वो पोल्ट्री फार्म से ही आती है। उसके साथ साथ जितने जो एग्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं, वो भी पोल्ट्री फार्म से ही आती है। तो इन दोनों चीज का प्रोडक्शन करना, अगर एक जगह पे ये चीज हो रहा है, तो उसको हम लोग पूरा, उस पूरे प्रोसेस को और पूरे एरिया को हम लोग कहेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को पोल्ट्री फार्मिंग कहेंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फॉल, मतलब हो जाता है पक्षी, फॉर एग्स प्रोडक्शन, अंडे के लिए और चिकन मीट के लिए, उसके जो मांस के लिए और उसके एग के प्रोडक्शन के लिए। इस चीज के लिए अगर हम लोग डोमेस्टिक फॉल को, मतलब कि डोमेस्टिक चिड़िया को अगर हम लोग रेज करते हैं, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत। ये काम पूरा पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत होता है। तो अब पोल्ट्री फार्मिंग तो हम लोग तो कर लिए, तो इसमें हम लोग को क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तो इंप्रूवमेंट में यही सबसे ज्यादा जरूरत है कि जल्दी जल्दी चिकन का प्रोडक्शन हो जाए, उसका जो प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाए, साथ साथ उसके जो एग्स का प्रोडक्शन है वो भी हमें ज्यादा हो। क्यों ऐसे ज्यादा करने की क्या जरूरत? क्योंकि हमारे देश में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है इसको फीड करने के लिए, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन इसका हाई होना चाहिए, ठीक है। तो यही मेन दो कारण हो जाता है कि नंबर ऑफ एग्स हमें ज्यादा चाहिए और नंबर ऑफ जो चिकन के लिए हमें ज्यादा चाहिए। तो इसके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही हम लोग इसमें सारा वर्क करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग को। इसलिए ही ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये खड़ा ही किया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्स एंड मीट हमें मिल सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम चिकन का रियरिंग करेंगे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। उसके साथ इसके बाद एग्स भी हमें मिलेगा, उसके साथ हमें चिकन का, आप KFC में जाके चिकन का मीट भी खा सकते हैं। तो वो सारा चीज पोल्ट्री फार्म से ही आता है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे मतलब कि एक देसी वैरायटी, एक विदेशी वैरायटी को आपस में मिलाएंगे, तो फिर जो प्रोड्यूस निकल के आएगा उसके कारण वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जो मिक्स्ड वैरायटी होगा, उसमें एग लेइंग क्षमता भी ज्यादा हो जाएगी, साथ साथ उसका जो जल्दी ग्रोथ की क्षमता होगी, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी चिकन का मिल सकेगा, ठीक है। तो ये जो मेन कारण हो जाता है। तो अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में, तो ये वाला जो वैरायटी है वो असील वैरायटी बोला जाता है, जो देसी वैरायटी मतलब इंडियन वैरायटी है, और ये एक फॉरेन वैरायटी है जिसको लेग हॉर्न बोलते हैं, ये वाली फॉरेन। इस दोनों का अगर हम लोग मिक्स करा के जो बनाते हैं, तो वो हमारा क्रॉस ब्रीडिंग करा के, तो वो हमारा प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है, डिजीज रेसिस्टेंस हो जाता है, उसके साथ साथ इसमें जो क्वालिटी होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है, नंबर ऑफ एग्स की देने की क्षमता भी काफी बढ़ जाती है। इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग करा के हमने नए वैरायटी को बनाया। उसका बेनिफिट क्या क्या हो जाते हैं? तो बेनिफिट में कहेंगे कि नंबर ऑफ चिक्स, मतलब कि नंबर ऑफ चिक्स का प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। चिक्स मतलब कि चिकन के बच्चे को चिक्स कहेंगे, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद जो ब्रॉयलर जो पेरेंट्स है, तो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करना काफी आसान होगा। ब्रॉयलर चिकन मतलब जो व्हाइट वाला जो आप चिकन देखते हैं, उसको आप लोग ब्रॉयलर चिकन बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टेम्परेचर का भी इसमें रेसिस्टेंस इस चिकन में आ जाता है, इस चिकन वैरायटी में जो मिक्स जो क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे उसमें, इसमें टेम्परेचर रेसिस्टेंस भी आ जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर भी अगर एनवायरमेंट का आगे पीछे हो रहा है तो जल्दी ये चीज नहीं मरेगी, ठीक है। उसके बाद समर में भी एडेप्टेशन इसकी काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि समर में काफी चिकन मरने लगते हैं, लेकिन इस मिक्स वैरायटी करने से काफी इसकी डेथ लो हो जाती है। उसके साथ साथ मेंटेनेंस इसका काफी कम हो जाता है, ठीक है, रख रखाव में काफी सुविधा हो जाती है। उसके बाद ये सारे चीजें बेनिफिट कर जाते हैं, इसके कारण हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन मतलब कि जो अंडे का प्रोडक्शन होता है चिकन से वो, अब ब्रॉयलर प्रोडक्शन का मतलब हो जाता है कि जो हम लोग व्हाइट कलर का जो चिकन देखते हैं, अपने जो चिकन लेने जाते हैं, तो चिकन का जो पिंजरे में रख रहा है व्हाइट कलर का, उसको हम लोग ब्रॉयलर चिकन कहेंगे। और भी वैरायटी का चिकन होता है, लेकिन उस वाले को हम लोग ब्रॉयलर चिकन कहेंगे। गैलस गैलस डोमेस्टिकस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है,
ठीक है, ये वाले वैरायटी का, इसी को मेनली यूज किया जाता है फॉर मीट प्रोडक्शन के लिए। ओके, ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद अ विटामिन रिच सप्लीमेंट फीड फॉर गुड ग्रोथ एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। ठीक है, तो गुड अच्छे ग्रोथ के लिए और उसके अच्छी इफिशियंसी हो, फीड इफिशियंसी काफी अच्छी हो, उसके लिए हम लोग ब्रॉयलर चिकन का यूज करते हैं। साथ ही विटामिन रिच सप्लीमेंट भी इसको प्रोवाइड किया जाता है, क्या कि इसका ग्रोथ काफी अच्छा हो जाए और इसमें जल्दी जल्दी ये प्रोडक्शन हो जाए। कहा जाता है कि 21 डेज में एक चिकन को, एक से निकल के चिकन को मार्केट में लेने लायक इसको बना दिया जाता है। उसके साथ इसका जो केयर है उसको अभी काफी अच्छे से कहा जाता है कि इसकी मृत्यु नहीं हो, मतलब कि जो जो प्रोडक्शन टाइम है उसमें मृत्यु नहीं हो, साथ साथ इसका जो फेदर क्वालिटी है वो भी काफी अच्छा रहे। ठीक है, इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट है इसमें, दे आर प्रोड्यूस एज ए ब्रॉयलर एंड सेट टू मार्केट फॉर मीट प्रोडक्ट, मीट पर्पस के लिए इसको जो पूरा प्रोडक्शन हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्म का फोटो देख सकते हैं, इसमें अच्छे से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद इसको भेज दिया जाता है मार्केट में फॉर मीट प्रोडक्शन के लिए। अब अगला बात करेंगे कि स्टेप फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉयलर चिकन, तो अच्छे क्वालिटी का हमें ब्रॉयलर चिकन चाहिए तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अच्छे क्वालिटी का प्रोड्यूस लेने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा चीज हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से खासा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा अगर काफी ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो चिकन मरने लगते हैं, या फिर काफी कम टेम्परेचर होगा तो भी चिकन मरने लगते हैं। तो एक एडिक्वेट पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन की जरूरत पड़ती है पूरे पोल्ट्री फार्म में कि हमें जो प्रोडक्शन है चिकन का ग्रोथ अच्छे से हो, उसमें डेवलपमेंट चिकन का अच्छा हो, तभी तो उसका अच्छा से मीट मिलेगा। फिर उसके बाद है हाइजीन कंडीशन, सेकंड पॉइंट हो जाता है हाइजीन कंडीशन, वहां पे साफ सफाई काफी अच्छे से होनी चाहिए, वहां पे जो खाना उसको हम खिला रहे हैं वो काफी साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन उसको नहीं लगना चाहिए, इस तरह से। उसका डिजीज कंट्रोल के लिए उसको वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, उस तरह की कोई दवाई भी जाती है, साथ साथ उसमें कोई पेस्ट नहीं, कीड़े मकोड़े भी नहीं लगे, ये भी चीज का काफी अच्छा ख्याल रखना पड़ता है, तभी हमें इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो डिजीज का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, पेस्ट का भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोटीन रिच उसको डाइट देना पड़ेगा, उसकी जो डाइट होती है मतलब उसको जो हम लोग खाना खिलाएंगे चिकन को पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत, ठीक है, तो वो काफी डाइट प्रोटीन रिच होना चाहिए, उसमें काफी प्रॉपर मात्रा में फैट विटामिन ये सब काफी अच्छे से होना चाहिए, तभी तो उसका बॉडी डेवलपमेंट अच्छा होगा, नहीं तो फिर उसका बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छे से तो फिर वो ग्रोथ नहीं दिखाएगा अपना। तो ये चीज चौथा पार्ट में आ जाता है। उसके बाद लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज हाई इन पोल्ट्री फीड, विटामिन ए और विटामिन के का भी इसमें काफी खासा ख्याल रखा जाता है ताकि इसमें अच्छा सा इसका प्रोडक्शन हो सके। तो ये सब स्टेप्स हो जाता है कि ब्रॉयलर चिकन को अच्छे से प्रोड्यूस लेने के लिए। अब डिजीज कंट्रोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोल्ट्री बर्ड्स जो होता है सफर फ्रॉम वेरियस नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट एज वेल एज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो जो भी हम लोग पोल्ट्री फार्म में जो भी चिकन को पालते हैं वहां ग्रोथ कराते हैं तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब लगता है, उसके साथ साथ पैरासाइट भी लगता है, ठीक है, तो ये सब का भी हमें काफी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, सैनिटाइजेशन उसको अच्छा से करना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेंट जो कि कीड़ों को मारने वाली दवा होती है उसकी की रेगुलर इंटरवल पे अच्छे से छिड़काव भी करना पड़ेगा, तो जाके हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा, वो डिजीज मुक्त रहेगी चिकन और वो फिर खाने योग्य भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेश चिकन का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद साथ साथ इसमें मेन चीज आती है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आ जाएगी, फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, उसके फेदर्स अच्छे से नहीं आएंगे, उसकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे चीजों का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी नहीं हो उसके लिए प्रॉपर फीड का भी जरूरत है। ओके, उसके बाद हो जाता है कि कोई भी आउटब्रेक ऑफ डिजीज ना हो पाए इसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन भी दिया जाता है, ठीक, इसमें कोई डिजीज रेसिस्टेंस उसको प्रॉपर मिले और कोई भी इस तरह का बीमारी उसे नहीं फैले। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।